मैं साक्षी गुप्ता, आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज खबर हिमाचल प्रदेश से। हम सब जानते होंगे, लेकिन मेरा दायित्व है कि जब मुझे मुख्य वक्ता बोला तो मुझे बताना ही पड़ेगा। दूसरी बात है कि स्टार्ट कब से हुआ। तीसरी बात यह है कि क्यों मनाया, ऐसा लक्ष्य क्यों रखा कि कैंपस के रूप में भिन्न भिन्न विद्यालयों में मनाए। ऐसा होता है जब आप विद्यालय में पढ़ रहे होते हैं, आजकल अपने पढ़ाई को सब विद्यालय में मनाते हैं खेल दिवस को। बड़े बड़े विद्यालय के बाद में आज तो राष्ट्रपति भवन में भी खेल दिवस मनाया जाता है। ऐसा नंबर एक पर मैंने प्रश्न किया आपसे कि क्यों इसको मनाया जाता है। हम सब जानते होंगे क्या बात, कौन सी खेल होता है, खेल होता है कैसे, ऐसा आइडिया लाने से होता है कल्चर दिशा आज आदर्श युवा मंडल कार द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया, जो मेजर ध्यानचंद जी की जन्मतिथि को मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा 2012 से ही इसे राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी, जिन्होंने भारत का नाम पूरे विश्व में हॉकी के लिए बहुत प्रसिद्ध किया, जिन्हें विश्व में हॉकी का जादूगर के नाम से भी जाना जाता था। कोरोना जैसी महामारी के बीच आज नेहरू युवा केंद्र एवं युवा एवं खेल विभाग, युवा एवं खेल सेवा विभाग कुल्लू द्वारा आज दिशा निर्देश दिया गया कि आप अपने युवा मंडल के तहत अपने गांव स्तर पर ही जो ये खेल दिवस को मनाए, जिसमें आदर्श युवा मंडल गार्ड ने भी इसे अपने गांव पर ही मनाया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार की जो खेल गतिविधियां का आयोजन आदर्श युवा मंडल गार्ड द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य तौर बैडमिंटन, वॉलीबॉल, कच्चा रेस प्रतियोगिता, चम्मच रेस प्रतियोगिता और विभिन्न प्रकार की जैसे बोरी रेस करवाई गई, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया एवं संदेश दिया कि जिस प्रकार खेलों के द्वारा आज मनुष्य का स्वास्थ्य एवं बौद्धिक
विकास भी किया जा सकता है। समय समय पर भी आदर्श युवा मंडल का विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाकर गाँव स्तर पर जैसे नशा निवारण प्रक्रिया है, स्वास्थ्य जानकारी आदर्श युवा मंडल का द्वारा गाँव ग्रामीणों को दी जाती है, स्वास्थ्य अभियान चलाया जाता है। जैसे आने वाले समय में भी आदर्श युवा मंडल गार्ड 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस और एवं 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाएगी, जिसमें जिसका हमारा मेन मकसद रहता है कि हम गांव स्तर पर जो गांव के युवा हों उनको इकट्ठे कर गांव की जो बुजुर्ग है, गांव के जो अन्य पुरुष स्त्री है, उनको एक संदेश दिया जाए। धन्यवाद।